आज 16 नवंबर 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है शाम 7:15 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है रात 11:16 तक और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, संक्रांति है और सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 12:51 पर। और संक्रांति का पुण्यकाल कल यानी 17 नवंबर 2019 को सूर्योदय से मध्यान्ह तक मनाया जाएगा। मेष राशि वालों के लिए काम और कारोबार को लेकर भाग्यशाली समय है। हर तरह की अच्छाई और उपलब्धि आपको मिल सकती है। शायद इसी वजह से आप कुछ हद तक लापरवाह होते चले जा रहे हैं क्योंकि आपके प्रदर्शन में कमी आ सकती है। ऐसे में हो सकता है लोग भी आपकी आलोचना करें। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? कामकाज को बढ़ावा देने के लिए अपने अंदर बहुत सारी प्रेरणा जगानी होगी, जिसके अच्छे नतीजे भी आपको ज़रूर मिलेंगे। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को भी दूर करना होगा ताकि आप सही रास्ते में ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अच्छे समय को सहेज लेना और उसका पूरा फायदा उठा लेना बहुत ज़रूरी होता है। वृषभ राशि वालों के विचार लोगों के प्रति बहुत अच्छे बनते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि ये समय लोगों से जुड़ने के लिए अनुकूल बना हुआ है। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए आपको इसी तरह के प्रयास भी करने होंगे। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं, जिसकी वजह से काम से जुड़े दबाव भी बने रहें। हो सकता है आपको ये भी लगे कि पीठ पीछे लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं या आपकी बुराई कर रहे हैं, पर इस बात को समझ लें कि ऐसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करने का समय है ताकि आप लोगों के प्रति अपनी अच्छाई भी बनाए रखें। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी अच्छाई भरपूर बनी हुई है और आपके लिए सफलता के द्वार खुल सकते हैं। शायद यही कारण है कि ऐसे में आपकी ओर से वो मेहनत नहीं नज़र आ रही जितनी की होनी चाहिए। किसी भी अच्छाई को बनाए रखने के लिए अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? हालात मिले जुले हो सकते हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, फिर भी लोगों को समझना और संभालना मुश्किल हो सकता है। अपने मन में भरोसा बनाए रखने से ही आप अपनी चुनौतियों को संभाल पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कर्क राशि वालों ने रिश्तों के प्रति तवज्जो दी है, पर किसी भी बात को पूरी तरह से पकड़ में आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा ताकि किसी भी तरह के मुश्किल भरे समय को संभाल लिया जाए। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? जिन लोगों से आप अपनेपन की उम्मीद लगाते हैं उन्हीं से तकरार पैदा करते चले जाने से बचना होगा। इस बात को समझ लें कि हर छोटी बात को बढ़ावा देते चले जाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए भी संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। सिंह राशि वाले रिश्तों को संवारने के लिए वचनबद्ध हैं, इसलिए हर तरह की कोशिश बनी हुई है जिसका अच्छा फल भी मिल सकता है। इस समय की प्राथमिकता किसी प्यार के रिश्ते की ओर बढ़ी हुई है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत दूर तक देखना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनों का समर्थन और अपनों की सहानुभूति की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी रास्ते पर चलने के लिए अपनों का साथ मिला रहे तो ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। आपको भी अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को हटाकर अपनों को समझने की कोशिश करनी होगी। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि कोई भी परिवर्तन जो आपको अपनों के करीब ले आए वही अच्छा है। इसी कारणवश घर परिवार की खुशियों के बने रहने का समय है। आपके आसपास के लोग आपकी हर तरह से मदद भी करना चाह रहे हैं। कामकाज से लगातार लाभ बना हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपने कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को रुकावट न मान लें, इसलिए इस बात को समझ लें कि अपनी तवज्जो बनाए रखने से बहुत कुछ संभाला भी जा सकता है। तुला राशि वालों की आमदनी में इजाफा हो रहा है और भाग्यशाली परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। लोग भी आपके प्रति हर तरह से जागरूक हैं, जिसके चलते आपके अंदर नई प्रेरणा जग रही है। अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बढ़ाकर आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने से बड़ी उपलब्धियों के द्वार भी खुल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है और उस दिशा में आपकी मेहनत भी लगी हुई है। कामकाज में नई उमंग और नई प्रेरणा के साथ अब आप जुड़ना चाह रहे हैं, जिसका अच्छा फल भी आपको मिल सकता है। बहुत हद तक संभव है कि लोग भी अब आपको बेहतर तरीके से समझना चाहें। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? धन लाभ को लेकर कई तरह के जरिए बन सकते हैं, जिसके चलते आपकी बचत में और आपकी समृद्धि में इजाफा हो सके, पर इस बात को समझ लें कि अपनी मेहनत और अपनी लगन को लगातार बनाए रखने की भी ज़रूरत है। धनु राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है और आप बहुत कुछ करने के लिए सक्षम हैं। यही वजह है कि कई अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, जिस बारे में सोचा जा सकता है। फिर भी अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाने से फिलहाल बचना होगा। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनी मेहनत पर भरोसा करने का समय है। लोगों की ओर से जिस मदद की आप उम्मीद लगा रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव बना रह सकता है, पर आपकी अपनी मेहनत आपका दूर तक साथ निभाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। मकर राशि वालों के लिए कई तरह के दबाव हो सकते हैं और कई तरह की गलतियां भी हो सकती हैं।
इसलिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अपनी कोशिशों को सही दिशा में तो लगाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? जल्दबाजी से जुड़े फैसले आपसे गलती करवा सकते हैं और ये ऐसी स्थिति है जिसे आपको समय रहते संभालना ही पड़ेगा। मुश्किलें अनजाने में भी बन सकती हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक बचाए रखने की भी ज़रूरत है। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, ये और बात है कि उसकी वजह से आप पैसे के प्रति थोड़े से लापरवाह होते चले जा रहे हैं। बदलता हुआ समय इस रूप से भी अनुकूल है कि लोग आपका साथ निभाना चाह रहे हैं और आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी ताकि आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाए। उसके लिए आपको अपनी बचत को भी बढ़ाना होगा ताकि आपकी समृद्धि आपका दूर तक साथ निभाए। मीन राशि वालों के कामकाज की स्थिति सुदृढ़ है और आपकी सफलता का कारण भी यही है कि आप काम के प्रति समर्पित हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखने का समय है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? जिंदगी की चुनौतियों को इस रूप से समझें जिन्हें अपनी कोशिशों से और अपनी प्रदर्शन से पूरा किया जा सके। किसी भी तरह के परिवर्तन करने से पहले ये सोच लें कि क्या आप उन्हें अपनी क्षमताओं से संभाल पाएंगे या कोई कमी रहेगी।